इंटीग्रेंट तो फैसला कर ही नहीं सकते। मैं फिर अपनी बात कह रहा हूँ, इसमें पब्लिक श्री श्री रविशंकर ने बहुत ठीक कहा, वो पब्लिक ओपिनियन बनाना चाहते हैं। ये जितने 10-15 लोग हैं ये लोग इसका फैसला नहीं होने देंगे, और दूसरे ये होने भी दें तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा। आप ये बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ इस तरह की कि किसी टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बाहर फैसला कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ही समझता। अच्छा, कोर्ट में भी चूंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये तो भी अखबार पढ़ते हैं, वो भी मीडिया पीडिया मट्टू केस में जस्टिस ने कहा मुझे मालूम है किस आदमी ने इसका मर्डर किया है, लेकिन मेरे पास शहादतें नहीं है, गवाही के छोड़ छोड़ रहा हूँ, बट जज को कैसे मालूम है किसने मर्डर किया है। ये सिर्फ मीडिया और अखबार उनको भी पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि तबाही मच जाएगी। मान लीजिए आज ये 500 साल से जो चीज मस्जिद के कब्जे में है उसे किसी को कैसे दिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है कि मस्जिद को दे दीजिए, और अगर दे देंगे तो इसे कौन मानेगा। आप ये देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे दे कि मस्जिद की जगह थी 500 साल से मस्जिद के कब्जे में थी, इसे दे दीजिए, कौन मानेगा इस फैसले। ये बैठे कपूर साहब, आप पूछेंगे मानेंगे इसे, बीजेपी मानेगी इस बात को, फिर एक मूवमेंट चलेगा। और ये बात जो मैं समझ रहा हूँ आप समझ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस को नहीं। बहुत बहुत संजीदा और बहुत संगीन अहम बात की आपने, लेकिन मैं थोड़ा अशोक गोयल साहब को इस पर जोड़ना चाहूंगा। अशोक गोयल साहब क्या कहेंगे, इतना ही मुश्किल है, और अगर इस तरह का हो गया तो जैसा कह रहे हैं खालिद अर्जी साहब की तबाही मच जाएगी और एक और मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखिए